दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट से फोटो है उसे आपको व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करना है। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और जान लीजिए मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं स्नैपचैट का जो फोटो है आपको कैसे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। तो दोस्तों सिंपल से आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर लेना होगा जैसे कि हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है। इस तरीके से आपको ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फोटो एक खींच लेना है। जैसे चलो फोटो हमने खींच लिया है, इस तरीके से सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बोल रहा है फिल्टर भी लगा लीजिए, तो यहाँ पे फिल्टर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाते हैं, इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाओगे इस तरीके से ये आप लगा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर करके आपको बता दिया है, तो इस तरीके से ये वाला फिल्टर हमें अच्छा लग रहा है तो हम शुरू से फिर से करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फिल्टर हमें लगा लेने हैं, ठीक है, तो जब हम फिल्टर इस तरीके से हम फिर से क्लिक करते हैं, क्लिक करने का वहाँ पे फिल्टर हम सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमें फिल्टर ये वाला अच्छा लग रहा है तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सेव हो चुका है फोटो। ठीक है, इस तरीके से फोटो सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हम बैक थोड़ा चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये गैलरी में तो सीधे पहुँच चुका है। अगर आपकी गैलरी में नहीं पहुँचा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपल से लोगो पे टच करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है मेमोरीज, मेमोरीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेमोरीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है मेमोरीज एंड कैमरा रोल पे क्लिक करके और यहाँ पे इस तरीके से आपको बाहर निकल आना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बाहर निकला है, इस तरीके से आपको सबसे पहले आपके फ़ोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको किस तरीके से उसे व्हाट्सअप पर शेयर करना है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैमरा, कैमरा के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई कई में खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नया आ चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा के आइकन में लेफ्ट हैंड साइड में कोने, इस तरीके से आपको कोने पे नहीं लेफ्ट हैंड साइड में गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको स्नैप्स मिल जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से स्नैप मिलने का यहाँ पे आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना जो भी आप फोटो व्हाट्सअप पर शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, नीचे आपको एकदम कोने पर एकदम मिल जाएगा तीर का चिन्ह, जिन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं रहा, क्योंकि आप यहाँ पे अपडेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने अकाउंट पे। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे सीधा शेयर करना है, तो ऊपर राइट हैंड साइड में कोने पे थ्री डॉट मिल जाएंगी, इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट स्नैप पे आपको क्लिक कर देना है, इस तरीके से क्लिक करोगे कैमरा रोल और अदर ऐप्स, अदर ऐप्स पे क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे आप अदर ऐप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऐप आ जाएंगे खुल के, लेकिन आपको कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे इस तरीके से हम क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको किसको भेजना है, तो इस तरीके से आपको टैप कर देना है उसी पे, टैप करने का यहाँ पे आपको इस तरीके से सीधा सेंड कर सकते हो इस तरीके से। जैसा कि दोस्तों हमने ये देखो ये सेंड कर दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने ये सेंड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आप जान गए होंगे, सीख गए होंगे कि स्नैपचैट का फोटो आप व्हाट्सएप पे कैसे शेयर कर सकते हो। दोस्तों फिर भी कोई गलती हुई हो हमसे तो इस वीडियो में आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं, मैं अपनी गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधार के आपको जरूर बताऊंगा कि ये जानकारी सही है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर पाओगे। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।